नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आज हम बात करेंगे रोजगार पे, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हावी हो चुके हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है जेडीयू के प्रवक्ता हेमराज जी। क्या कुछ इनका प्रतिक्रिया होती है? पीएम मोदी आ रहे हैं रोड शो करने के लिए, लेकिन तेजस्वी जो है वो रोजगार शो करेंगे। देखिए, झूठ बोलने में तो ये लोग महारत हासिल कर लिए हैं, काम तो कभी किए नहीं। इनके माता पिता भी 15 साल के शासनकाल में काम कुछ किए नहीं, उल्टे जो है गरीबों की और राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को लूट कर अपना संपत्ति बढ़ाने का काम किए। और जो व्यक्ति अपने शासनकाल के दौरान रोजगार नहीं दे सका बिहार वासियों को, बिहार के युवाओं को, यहाँ के माँ बहनों को सुरक्षा नहीं दे पाए, हक और अधिकार की बात तो छोड़ दीजिए, लोगों का, आम लोगों का जीना मुहाल था। शाम के 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे और नरसंहारों का दौर चल रहा था, जगह जगह भारी संख्या में लोग मारे जा रहे थे। और जो जनता की, आम आवाम की सुरक्षा नहीं दे पाए, उन दिनों को लोग याद कर रहे हैं, तो उस पर से ध्यान भटकाने के लिए ये तरह तरह का नया नया झूठ बोल रहे हैं। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं, तेजस्वी जी से, जो कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, तो आप ये बता दीजिए, सबसे ज़्यादा बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने शिक्षा विभाग में बहालियां की, शिक्षा विभाग की बहाली हुई तो आप ये बता दीजिए स्पष्ट कि आपके जो शिक्षा मंत्री थे कितने दिन कार्यालय में उपस्थित रहे और किस आदेश पर उनका हस्ताक्षर है। और आप उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री का संविधान में कोई दर्जा नहीं है, उप मुख्यमंत्री का दर्जा मंत्री के बराबर है, मंत्री का दर्जा है। और आपसे भी मैं सवाल करता हूँ कि आप भी, अगर आपको याद है तो सही सही आंकड़ा तो आप बता नहीं रहे कि कितनी बहालियां हुई। और दूसरा, अगर आप कह रहे हैं कि हमने बहाली की, तो आप बता दीजिए कि पेज संख्या किस में आपकी हस्ताक्षर है, किस आदेश पर आपने अपना हस्ताक्षर किया है। बहाली के कोई प्रारूप पर आपने अपना हस्ताक्षर किया हो कोई मीटिंग में, तो आप बता दीजिए। ऐसा झूठ मत बोलिए जे राज्य की जनता आपके माता पिता को जिस तरह से नकारा है, आपको भी नकार दिया है। आप तो, सदन चल रहा था, इतना महत्वपूर्ण सदन, बजट का सत्र चल रहा था, आपको अगर जनता के प्रति जवाब दे थे तो आपको सदन में खड़ा होकर के जनता के सवालों को उठाना चाहिए था प्रखर रूप से, लेकिन आप उसको उठाने के बजाय आप तो जनता के बीच में चले गए झूठ बोलने के लिए। बैठना चाहिए सदन में, चले गए जनता के बीच में झूठ बोलने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, उसके आंखों पर धूल झोंकने के लिए। लेकिन बिहार की जनता नादान नहीं है, सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है। और अभी जो 3 चरणों का चुनाव हुआ है, आपकी क्या हालत हो गई है ये राज्य की जनता भी जान रही है। और आप लोग काफ़ी हताशे में हैं, बेचैन हैं, और इसको लेकर के तरह तरह के झूठ बोलने की जो आदत है, उस आदत को बढ़ावा देते जा रहे हैं। राजद की तरफ से ये भी बयान आ रहा है कि जो 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं, उनसे ही पता चल रहा है कि एनडीए में कितनी खलबली हो गई है, कि वो कह रहे हैं 400 पार के नारे, अब देखिएगा वो 100 के पार भी नहीं हो सकते। अब तो 4 तारीख को जब काउंटिंग होगा, रिजल्ट होगा, तब पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। हम तो दावा ठोक कर कहते हैं बिहार के अंदर 40 की 40 सीटें लेंगे और देश में 400 के पार जाएंगे। महिला सुरक्षा की बात आपने अभी किया, उसी में तो आता है बालिका गृह कांड, जो आज तक क्लियर नहीं हुआ, अभी भी उस दबे हुए हैं। इतिहास गवाह है, एक नया इतिहास रचा गया है बिहार के अंदर। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को जितनी संख्या में भागीदारी दी है और महिलाओं को के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए तरह तरह की योजनाएं लाए हैं, जीविका के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, जो पूरे दुनिया में अव्वल हो गया है स्थान, और कई राज्यों के प्रतिनिधि मंडल बिहार में आकर के
इसका आकलन किया है कि कैसे बिहार में जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया है। ये वास्तव में काबिले तारीफ है। कई राज्यों की टीम ने आकर अनुकरण करके आकलन करके यहाँ से जाके अपने अपने राज्यों में इसका नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। और महिलाओं की भागीदारी किस क्षेत्र में देखना चाहते हैं, जन प्रतिनिधि जो पंचायती राज विभाग में देखिए, जब पंचायती राज का जब चुनाव हुआ त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देकर नीतीश कुमार जी ने तो वो इतिहास रचा है जो कोई सोच नहीं सकता था। महिलाओं को सिपाही में भर्ती करा करके, महिलाओं को हर विभाग में भर्ती करा करके, और बेटियों को तो पढ़ने के लिए जितना अवसर दिया नीतीश कुमार जी ने, बहुत कुछ ही दिन पहले जब बेटियां उत्तर प्रदेश में साइकिल चलाती थी, दिल्ली में साइकिल चलाती थी, तो लोग दिल्ली से आते थे बिहारवासी अपने गाँव में, तो कहते थे वहाँ तो बेटी साइकिल चलाती है, आश्चर्य होता था उनको। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसी योजना लाई बिहार के अंदर कि बेटियों के शिक्षा स्तर को ऊपर उठाया और बेटियों को साइकिल दिया, पंख दिया उड़ने के लिए। और जब साइकिल पर हमारी बेटियां एक कतार में बैठकर स्कूल और कॉलेज में जाती हैं तो देखने में बनता है, लोग कहते हैं वाह नीतीश कुमार। और जिसको दिखाई नहीं पड़ता ये सब विकास, जिसको दिखाई नहीं पड़ता ये तरक्की, वो सवाल करेंगे। चूँकि एक जानवर होता है ऐसा जिसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, और जिसे दिन में नहीं दिखाई पड़ता, हम समझेंगे कि उसी जानवर की श्रेणी में वो होंगे जिसे विकास दिखाई नहीं पड़ता। पीएम मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों जो है राजकुमार हैं, उसी पे पलटवार करते हुए आरजेडी की तरफ से बयान आया है कि राजकुमार जो कह रहे हैं वो खुद राजशाही जिंदगी जीते हैं और दिन भर में करीब 5 से 6 जोड़े कपड़े चेंज करते हैं, और भी करोड़ों और लाखों रुपए के वस्त्र होते हैं, और राजशाही और राजकुमार कौन है इसी से पता चलता है। देखिए ये लोग परिवारवादी लोग हैं, ये परिवारवादी परंपरा का निर्वाह करते हैं, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आप चाहे राहुल गांधी के परिवार से ले लीजिए, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, और सबसे बड़ा पुख्ता सबूत तो बिहार के अंदर लालू जी का है, जो 11 सदस्यों का परिवार है, 6 सदस्य सक्रिय रूप से राजनीति में उतर चुके हैं, बाकी जो बचे खोचे लोग हैं विधानसभा चुनाव आते आते सभी लोग राजनीति में सक्रिय रूप से दिखाई पड़ेंगे। और जब मंच इनके पार्टी का सजता है तो सबसे अगली कतार में तो एक ही परिवार के लोग दिखाई पड़ते हैं। नेता हमारे हैं नीतीश कुमार, जिसके लिए पूरा बिहार परिवार है, और एक वो अपने आप को नेता मानते हैं जिसको पूरे बिहार के लोगों की किसी के लिए भी इनके दिल में दर्द नहीं है, चिंता नहीं है। इनको अगर दर्द है, चिंता है, तो सिर्फ अपने परिवार की। इसलिए ये राजनीति में भी आकर राजनीति को व्यवसाय बना करके अपने परिवार का हित और अपने परिवार का विकास चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा राजद कार्यालय में एक गाना लॉन्चिंग हुआ है जिसमें तेजस्वी मजबूत और जो भी विकास जो किए हैं, जितने भी उनके द्वारा योजनाएं जो आई हैं, वो सभी को उस वीडियो के माध्यम से दिखाया गया। क्या इसमें भी चुनावी मुद्दे को दिखाकर और लोगों को साधने पर लगे? देखिए ये तो झूठ का पुलिंदा है। हम तो ये कहते हैं कि लालू जी, तेजस्वी जी अपने उस 15 साल के शासन काल में हुए घटनाओं का, वो अगर क्या क्या विकास किए हैं उसका, कौन सा रोड बनाए, कौन से संस्थान खोले, कितने लोगों को नौकरियां दी, ये सारे चीज़ों का रिपोर्ट पेश करें ईमानदारी पूर्वक कि 15 साल के शासन काल में उनके माता पिता ने क्या किया बिहार के लिए। धन्यवाद। इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जनता सब समझती है, और आने वाले जो 4 जून जो है उसी में उनको पता चल जाएगा कि क्या NDA और महागठबंधन में किसकी उपलब्धियां बनी है, झूठ की या सिर्फ वादे की या परिवारवाद की। इन्हीं तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहे बिहार संवाददाता। धन्यवाद।